This video is free and licensed under Creative Commons Attribution. Please subscribe to my YouTube channel if you use it or like it. YouTube, subscribe, bell icon, like, comment, share. Subscribe, bell icon, like, comment, share. थैंक यू डियर। तो मुख्तलिफ लोगों की शोबदाबाजियों को लोग करामत समझ लेंगे और उनके पीछे चल के अपनी दुनिया और अपनी आखिरत बर्बाद करेंगे, इसलिए हमें इस बात का पूरा पूरा इदराक होना चाहिए कि वली किसे कहते हैं और उस मायार पर हम किसी को देखें। इसके बावजूद उसका मामला अल्लाह के साथ है, चूंकि नबी अपनी नबूवत का ऐलान करता है, वली अपनी विलायत का ऐलान नहीं करता। नबी के ऊपर लाजम है, वाजिब है कि वो बताए कि मैं नबी हूं, लेकिन ये चीज वली पर नहीं है। वो तो कोशिश करते हैं कि लोगों की निगाहों से छुप जाएं, लोगों से पोशीदा रहें। वो अपनी विलायत के लिए तशहीरी मुहिम नहीं चलाते, बल्कि वो खलके खुदा की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम देते हैं और अल्लाह की रिजा जोई के लिए कोशां रहते हैं। करामत का सुदूर हो जाना मुमकिन है, अगर कोई करामत सादर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये उनका मकसूद नहीं होता कि हमसे किसी करामत का जुहूर हो। कभी कभार किसी ऐसी हालत में किसी करामत का सुदूर हो जाता है। दो सिफात का हामिल है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो कुरान ने बयान फरमाया। एक तो वो मोमिन कामिल होगा, कामिल मुसलमान होगा, और दूसरा व कानू यत्तकून, वो परले दर्जे का मुत्तकी होगा, आला दर्जे का परहेजगार होगा, उसकी जिंदगी तकवे से इबादत हो, उसके शब व रोज हिज्म एहतियात से गुजरेंगे, वो शरीयत बैजा पे अमल पैरा होगा और शरीयत की जानब से मना करदा चीजों से अपने आप को बचा के रखेगा।